Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exams. We can utilize this time by doing self study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start. Hello and welcome to Aspire Adda. Pyare Bacho. वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में कंप्यूटर का सिलेबस जो कि अकाउंट असिस्टेंट में तीस मार्क्स का है तो इस डिटेल में इस कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए मैं वेलकम करता हूं कंप्यूटर की वीडियोस जो होंगे ये डेली नहीं आएंगे ये हफ्ते में तीन दिन आएगी मैं आपको ये जो पीडीएफ है हमारी ये भी शेयर करूंगा बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा वो वाली चीज़ें आप बच्चे खुद अपनी लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरा दावा है कि अगर आपने जिंदगी में कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको एक एक चीज यहां पे आज क्लियर करने वाला हूं पहले वीडियो थोड़ा छोटा आएगा उसके बाद वीडियो लंबी होंगी पूरा डिटेल में होगा ये चीजें आपको YouTube में कहीं नहीं मिलेंगी हर एक चीज को बारीकी से पकड़ा जाएगा अगर आपके पास अभी नोटबुक है तो उसको रख दीजिए साइड पे अगर आप सोच रहे हैं कि मास्टर पीडीएफ दे तो वो मैं दूंगा मगर जितना आप डिपेंडेंट रहेंगे इस पीडीएफ में उतना आपके पास पीडीएफ तो रहेगी बट दिमाग में और आपके नोटबुक में कुछ नहीं होगा इसलिए आप एयरफोन डालिए कानों में और 360 पिक्सल में देखिए आराम से सुनिए क्या होता है कंप्यूटर प्यारे बच्चों दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कोई कमांड दें वो उस कमांड को प्रोसेस करे और हमें कोई आउटपुट दे हर ऐसी चीज कंप्यूटर होती है ठीक है हमारे पास एक घड़ी है हमने उसका बटन दबाया और उसका टाइम आगे पीछे किया तो वो कंप्यूटर है हर चीज कंप्यूटर है मगर जिस कंप्यूटर की हम यहां बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर थोड़ा अलग है तो सुनिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कंप्यूटर को देखा है किसी भी कंप्यूटर में हम बटन दबाते हैं ऑन करते हैं ऑफ करते हैं म्यूजिक सुनते हैं तो ऐसा होता है कंप्यूटर में जहां से हम कंप्यूटर को पावर देते या हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं उस एरिए को बोलते हैं इनपुट यूनिट क्या बोलते हैं उस एरिए को इनपुट यूनिट क्या होता है इनपुट यूनिट जहां से हम कंप्यूटर को कमांड दें कोई बटन दबा दिया वॉल्यूम ज्यादा या कम करने की कोशिश की बटन दबा के ऑफ कर दिया बटन दबा के ऑन कर दिया तो यह क्या होता इनपुट यूनिट हमने अपने कंप्यूटर में जाके म्यूजिक ऑन किया तो जहां से ऑन किया वो हो गया इनपुट यूनिट स्पीकर में हम गाना सुन रहे हैं तो आउटपुट यूनिट कीबोर्ड का हमने बटन दबाया तो इनपुट यूनिट हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें वो दिखा जो हमने लिखा हुआ वो डिस्प्ले हुआ तो आउटपुट यूनिट अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनपुट यूनिट क्या होता है आउटपुट यूनिट क्या होता है आपको पता चल चुका है जब हमने इनपुट दिया तो कंप्यूटर उस पर काम करेगा ना ऐसे ही थोड़ी आउटपुट देगा तो जो उसपे काम होगा उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है इसको बोलते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक होता कंट्रोल यूनिट कंट्रोल का मतलब होता है चीजों को आने जाने में कंट्रोल करना एक होता अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब होता प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू उसके बाद कंप्यूटर इन चीजों को स्टोर करेगा कहीं मेमोरी में तो हो गया मेमोरी यूनिट यह जो कंप्यूटर की डायग्राम है इसको बोलते हैं वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर इसका एक नाम और भी है इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको अभी मैंने आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ाया है जो भी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं उन्हीं को मैंने रिकॉल करने की कोशिश की है अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बातें पता चल चुकी हैं अगर नहीं जरा भी डाउट रहता है तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है आप नीचे कमेंट करिए हम उसी वक्त आपका जवाब देंगे अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है ये इनपुट यूनिट क्या होता है ये आउटपुट यूनिट क्या होता है प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है मेमोरी यूनिट सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप वीडियो सेव करके रखिएगा ये मेरा वादा है हार्डली कोई एक दो सवाल कंप्यूटर के अगर इस कंटेंट से बाहर आए तो मैं नहीं कहूंगा बट 98% परसेंट कंटेंट पेपर में मेरी वीडियो से आएगा यह मेरा दावा है आगे चलते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं जिस चीज को हाईलाइट करूंगा वो लिखना इनपुट यूनिट वो होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा की एंट्री करते हैं विद दी हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट वी एंटर डेटा इन टू कंप्यूटर बस जहां से हम कंप्यूटर में डेटा इंटर करते यानी कि हम माउस से करते कमांड तो इनपुट यूनिट है कीबोर्ड से करते हैं इनपुट यूनिट है अब दूसरे नंबर पे ये सीपीयू क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने लिखा कोई काम कंप्यूटर में किया तो जो काम परफॉर्म करेगा परफॉर्मिंग प्रोसेस जो होगी वो करेगा सीपीयू यही सीपीयू जो होता है ये सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का ठीक है अभी इतना ही इनपुट यूनिट से डेटा एंट्री करते सीपीयू उसको प्रोसेस करता अगर वो वाला डेटा जमा का हो माइनस का हो इंक्री यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन हो मैथमेटिक्स के डिसीजन मेकिंग हो तब उसको एक करेगा ए एल यू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उसको यानी कि इसका मतलब यह होता है अगर ये हम लिख रहे हैं तीन बड़ा है या चार बड़ा है तो चार बड़ा है तो ऐसे काम कौन करेगा ऐसे काम करेगा ए एल यू कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कंट्रोल यूनिट डेटा की इंस्ट्रक्शंस को यानी कि जो प्रोसेस होती है उनको कंट्रोल करेगा प्रोसेस कौन सी चलनी चाहिए कौन सी नहीं चलनी चाहिए वो सारे काम कौन करेगा कंट्रोल यूनिट अब मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है इनपुट यूनिट से डेटा एंट्री करते हैं सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा आउटपुट यहां मिलेगी हमें ये एल यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉजिकल ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट डेटा का कंट्रोल करेगा कहां जाना चाहिए और मेमोरी यूनिट डेटा को सेव रखेगा ठीक है अब मैं आपको बताता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है सुनिए जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारी पढ़नी है आउटपुट डिवाइसेस सारी पढ़नी है सीपीयू के बारे में पढ़ना है मेमोरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना एल यू क्या होता उसके बारे में पढ़ना और ये पढ़ने में हमें लगेंगे चार से पांच दिन पूरी टेंशन खत्म कीजिए हम पे भरोसा रखिए एस्पायर अड्डा आपकी पूरी मदद करेगा अब देखते हैं आगे ये जो होता ना कंप्यूटर का इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया इसको बोलते हैं हार्डवेयर क्या बोलते हैं हार्डवेयर हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको हम टच करते हैं ठीक है मैंने इमेजेस भी यहां डाली हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी देखो इसको ये आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं आप में से ज्यादा नाइन्टी परसेंट बच्चों जिन्होंने कंप्यूटर देखा होगा वो बोलेंगे सर इसको बोलते हैं सीपीयू तो मैं यही आपकी एक बात क्लियर कर दूं दिस इज नॉट सीपीयू इसको सीपीयू नहीं बोलते इसको सिर्फ चैम्बर बोलते हैं ठीक है अपने नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं इसको चैम्बर बोलते हैं इसके अंदर ये वाली चीजें होती हैं ये होता इसके अंदर क्या क्या होता इसके अंदर ये होता ये 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 सारी चीजें इसके अंदर होती हैं इसको छोड़ के अभी हम वो पढ़ेंगे अब देखते जाओ आपको अगर आप नोट बना रहे हो तो आप नोट्स में लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे आप हार्डवेयर क्या होता है हार्डवेयर उसके नीचे आपने क्या लिखना है हार्डवेयर के नीचे लिखो आई पी ओ एस बैंकिंग के पीओ पेपरों में आता है व्हाट डज आई पी ओ एस फॉर आई पी ओ एस की क्या फॉर्म होती है आई की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज एक सवाल आपका यहां से हल करते हम ये जो अंग्रेजी लिखी है इसको ना पढ़ने की जरूरत है ना मैं पढ़ूंगा ना आपको लिखना है अगर मैं ये सब लिख के आपको यहां रखूंगा तो बच्चे प्यारे बच्चों टाइम लग जाएगा मैं आपके साथ साथ में नोट्स बनवाता चला चला जाऊंगा मैंने आपको बोल दिया है नोटबुक की हेडिंग पर लिखो हार्डवेयर और नीचे लिख दो आईपीओएस क्या होता है आईपीओएस का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस तो हम सबको पता है तो आई वेलकम बट एक बार सुन लीजिए जो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इनको वक्त देने वाला हूं एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं मैंने पहले ही कह दिया है ना ऐसा कंप्यूटर यूट्यूब में आपको मिलेगा ना कंटेंट इससे बाहर पेपर एग्जामिनर पूछेगा इसलिए आप रिलैक्स होकर नोट्स बनाइए अपने देखो इस हार्डवेयर में से हमें क्या पढ़ना है इस हार्डवेयर में से पहले नंबर पे हमें पढ़ना इनपुट डिवाइसेस इस इनपुट डिवाइसेस पढ़ने में हमें वक्त लगेगा उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस फिर पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस और इस स्टोरेज डिवाइसेस में प्यारे बच्चों में लगाऊंगा छे दिन ऐसा कंप्यूटर पढ़ेंगे के मजा आने वाला है आपको अब देखो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या लिखा है इनपुट डिवाइसेस में लिखा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में बस इतना नहीं हो गया दी मास्टर ने कि इनपुट डिवाइस है तो बस के कीबोर्ड से बहुत सवाल आते हैं माउस पढ़ेंगे माउस की टाइप पढ़ेंगे ओ पढ़ेंगे ओ पढ़ेंगे एम पढ़ेंगे बी इनका फंक्शन क्या होता है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पैड क्या होता है क्या इनपुट डिवाइसेस इतनी ही हैं? नहीं इसके अलावा टच स्क्रीन होता है इनपुट डिवाइस बायोमेट्रिक होता माइक्रोफोन होता है स्कैनर होता है ट्रैक बाल होता है ये होती है इनपुट डिवाइस जिस तरीके से यहां पर लिखा है इसी तरीके से आपने अपनी नोट्स में ऐसे बनाना है हार्डवेयर और हार्डवेयर के नीचे लिखनी है इनपुट डिवाइस और ये पूरी लिस्ट लिखनी है हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे सबको पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस है तो हम इन, इन, इन इनको सबको पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस है तो हम इन सबको पढ़ेंगे उसके बाद इनके हम डेढ़ सौ से दो सो एम सी क्यू भी पढ़ेंगे आराम से तसल्ली से अब हम सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में अगर आपने ये डाल दिया है हार्डवेयर लिख दिया है और ये वाला टेबल बना दिया है ये पूरा इसके बाद आप हेडिंग डालो इनपुट डिवाइस डाल दी हेडिंग इस हेडिंग के बाद आप हेडिंग डालो पॉइंट नंबर वन और उसमें लिखो कीबोर्ड डाल दिया अब देखते हैं आगे कीबोर्ड की, की जन्म कुंडली निकालते हैं बहुत मजा आने वाला है इनपुट डिवाइसेस में तो आपको पता है ये वो डिवाइसेस हैं जिनसे हेल्प मिलती है कंप्यूटर में डेटा डालने में कीबोर्ड इनमें से पहली डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है ठीक है डेटा बड़े किस्म का होता है टेक्स्ट होता है नंबर होते हैं ये बड़ा कुछ होता है मैंने ये कीबोर्ड की इमेज यहां डाली है कि आपको जरा फील भी आए Otherwise, इसका यहां पे कोई मकसद नहीं है। अब कीबोर्ड के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी पॉइंट नंबर वन का नोटबुक में लिखिए पॉइंट नंबर वन में आप क्या लिखेंगे कि कीबोर्ड को डिस्कवर किसने किया है कीबोर्ड वाज़ डिस्कवर्ड बाय यहां नहीं लिखा है शायद मुझे दिख नहीं रहा है आप लिखेंगे कीबोर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर लिथोम शोल किसने क्रिस्टोफर लिथोम शोल पहला पॉइंट हो गया की बोर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर लिथोम शोल पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं सेवेंटी एट भी होती हैं, एटी थ्री भी होती हैं, एटी फोर भी होती हैं और मैक्सिमम कीज होती हैं एक सौ नौ दूसरा पॉइंट लिखिए मैक्सिमम कीज ऑन कीबोर्ड आर एक सो नौ तीसरा पॉइंट कीबोर्ड कितने किस्म का होता है तो कीबोर्ड इतने लेआउट का होता है देखिए एक होता अजरटी की ए जेड ई आर टी वाई दूसरा होता है वी ओ आर ए के तीसरा होता है कवर्टी की बोर्ड इंडिया में कौन सा यूज होता है क्यू डब्ल्यू आर टी वाई अब इसमें से क्या सवाल बन सकता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड जब ऐसा आएगा तो चार ऑप्शन होंगे एक होगा ये एक होगा ये एक होगा ये एक होगा ये, हो ये और एक कोई और नाम हो सकता है तो ये तीन स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैं जो बाकी आएगा वो कीबोर्ड नहीं होगा दो पॉइंट लिख दिए कीबोर्ड किसने डिस्कवर किया है और कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं और तीसरा कीबोर्ड में कितनी कीज होती है मैक्सिमम एक सौ नौ होती है ठीक है अब कीबोर्ड में हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीज अल्फाबेट कीज होती हैं अब अल्फाबेट कीज कौन सी होती हैं तो आपकी इजीनेस के लिए मैंने ये इमेज लगा रखी है ये जो होती हैं अल्फाबेट की अब इनको क्वर्टी बोलते हैं देखो ये क्यों डब्ल्यू आर टी वाई ठीक है इसीलिए बोलते हैं इसको इनको बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज तो कंप्यूटर में कौन कौन सी कीज होती हैं अल्फाबेटिकल कीज पढ़ लिया हमने नोमरिक कीज होती हैं नंबर वाली कीज कौन सी होती नंबर वाली कीज ये देखिए नंबर पैड भी बोलते हैं इसको तीसरे नंबर पे फंक्शन कीज अब ये फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती हैं कौन सी हो गई फंक्शन कीज ये देखिए फंक्शन कीज F1 F2 F3 उसके बाद कंप्यूटर में होती है मॉडिफायर कीज अब मॉडिफायर की क्या होती हैं देखो यहां लिखा है कंट्रोल अल्ट, शिफ्ट और फंक्शन कीज मॉडिफायर कीज यही होती हैं अब इनको मॉडिफायर क्यों की क्यों बोलते हैं अगर हम कंप्यूटर में डी वाली की दबाते हैं तो स्क्रीन पर डी लिखा जाता है एफ दबाते हैं तो स्क्रीन पर एफ लिखा जाता है अगर हम कंट्रोल वाली की दबाएं सी टी आर एल तो क्या कंप्यूटर में कुछ लिखा जाता है नहीं इसलिए वो वाली की जो अकेले में काम नहीं करती हैं इसके साथ हमें प्लस करके कुछ और फंक्शन लिखना पड़ता है तब जाके ये काम करता है ऐसी कीज को बोलते हैं मॉडिफायर तो मॉडिफायर पेपर में सवाल आएगा विच ऑफ दी फॉलोइंग आर मॉडिफायर कीज तो मॉडिफायर कीज कौन-कौन सी हैं सिर्फ ये चार आई शिफ्ट और ना कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और फंक्शन ये अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं स्क्रीन कीबोर्ड में कहां पे हैं देखो अल्ट वाली की कंट्रोल वाली की शिफ्ट वाली की और फंक्शन की अब ये जो कीबोर्ड है ये जरा पुराना है तो यहां पे लिखा आता है यहां विंडोज की जगह यहां विंडो बनी है यहां पे एफ एन लिखा होता है इसको बोलते हैं फंक्शन की ये हमने कौन सी की पढ़ी है हमने पढ़ी मॉडिफाइड कीज उसके बाद होती है टॉगल की टॉगल की क्या होती है ऐसी कीज जिनको एक ही बार दबाएं तो पूरे कीबोर्ड का फंक्शन बदल जाए जैसे नम कैप्स दबाते हैं हम तो पूरा का पूरा कैपिटल लिखा जाता है ठीक है फिर एक बार कैप्स लगाते दबाने से पूरा लेख की, की दबाने से अगर हम दबाएंगे तो नंबर पैड लॉक हो जाता है की अगर हम दबाएंगे तो हमारा जो स्क्रीन आगे पीछे होती है वो लॉक हो जाती है इनको बोलते टॉगल की उसके अलावा होती है हमारे कीबोर्ड में नेविगेशन कीज नेविगेशन कीज का मतलब होता है जो एक पेज से दूसरे पेज में जाए देखो पेज आप पेज डाउन या होम या एरो की इनको बोलते हैं या एंड की एंड वाली की होती है जो पेज का एंड पे लाती है इनको भी बोलते हैं नेविगेशन की इतनी बातें पता चल गई आपको उसके बाद एक होती है स्पेस बार की ये सबसे लंबी की लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड स्पेस बार में आपको बता देता हूं कौन सा होता है इसको बोलते हैं स्पेस बार ये देखो लंबे वाली इसके बाद स्पेस बार हमने पढ़ दिया अब हम देखते हैं टैब की क्या होती है जो टैब की होती है ये दबाने से जो कर्सर होता है वो जो बिलिंग करता है ऐसे ऐसे अपडाउन वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए होता है एस्केप की होती है किसी भी एप्लीकेशन से एग्जिट करने वाली एक होता है प्रिंट स्क्रीन जिस तरह मोबाइल में स्क्रीन लेते हैं उस तरीके से कंप्यूटर में भी हम स्क्रीन को कैप्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन और एंटर की से कोई भी जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है ठीक है यहां तक इतनी बातें पता चल गई तो अभी हमने अपने इनपुट डिवाइस में सिर्फ कीबोर्ड पढ़ा है कल वाली वीडियो हम लंबी लाएंगे और उसमें हम माउस के बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ एक बार में आपको रिकॉल करवा देता हूं हमने पढ़ा कंप्यूटर में ये आर्किटेक्चर मशीन पढ़ी। इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट और ये सारा सीपीयू पढ़ा। इसको बोलते हैं वन न्यूमेन मशीन या इसको आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं उसके बाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में ये हार्डवेयर लिखिए और इनपुट डिवाइस जहां से हम कमांड देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस जो प्रोसेस करती आउटपुट डिवाइस जिसपे हमें दिखता है स्क्रीन पे और स्टोरेज यानी कि मेमोरी अब हम एक एक करके पढ़ेंगे आज हमने आपको पढ़ाया कीबोर्ड क्या होता है फिर माउस पढ़ेंगे ये ये सारा पढ़ेंगे पूरा ये हार्डवेयर कवर करने के बाद हम हार्डवेयर के एमसीक्यू पढ़ेंगे इस तरीके से हमारी कंप्यूटर की जर्नी रहेगी प्यारे बच्चों मेहनत की जा रही है कमेंट सेक्शन देख के बड़ा दिल खुश होता है वीडियोस बनाने का मन करता है कोई चार्जेस कोई पेमेंट नहीं ली जा रही है सिर्फ बच्चों की हेल्प की जा रही है लॉकडाउन के कारण तो हम आपसे चाहते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे प्यारा सा कमेंट जो हमें मजबूर करेगा अगली वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stop for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self study and taking help of at our YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are, Hurray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.